फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में आज दिव्यांग बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप 7 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जाना है। उन बच्चों को कृत्रिम अंग की सहायता है वह भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और जिन बच्चों को सर्जरी की जरूरत है वह सर्जरी के लिए भी उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। फतेहाबाद में जिला समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सभी विभाग मिलकर इस कैंप का आयोजन कर रहे हैं। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल के पीछे इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे भाग ले रहे हैं और दिव्यांग बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए सुपरवाइजर ने बताया कि उनके द्वारा बच्चों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और जिन बच्चों को कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है उनके नाम भी नोट किए जा रहे हैं, जिन्हें बिना किसी शुल्क के कृत्रिम अंग मुहैया करवाए जाएंगे और सभी ब्लॉकों के बच्चे अलग अलग दिन 7 मार्च तक इस कैंप में आ सकते हैं। ये एक दिव्यांग बच्चों के लिए एक जिला स्तरीय कैंप है। हमारे जिले में 6 ब्लॉक हैं और सभी ब्लॉक्स में पूरे जिले के 1,084 बच्चे हैं, तो ये कैंप तारीख 3, 4, 5 और 7 कुल 4 दिनों में चलेगा। आज हमारे ब्लॉक जाखल और भट्टू ब्लॉक दोनों बच्चे आएंगे, जिसमें से जाखल के 81 बच्चे हैं और भट्टू के 7 बच्चे हैं। और इसमें टोटल जो ओबीडी होंगी, जो डॉक्टर साहिबान इसमें बैठे हैं, इसमें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होंगे, एक वीआई, एक ईएमटी और ऑडियोलॉजिस्ट, और एक जो एमआर फिजियोलॉजिस्ट होंगे, और इसमें फिजिशियन भी होंगे। उसके बाद में क्या है, अलिम्को की तरफ से जिन बच्चों को जो उपकरण उनके सहायता के रूप में दिए जाने होते हैं वो उपकरण भी दिए जाएंगे। इस कैंप के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को रेल पास की भी सुविधा होगी और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को बस पास की भी सुविधा होगी। और ऐसे बच्चे जो हमारे जिले के दिव्यांग जो छात्र हैं उनका एक हेल्थ बीमा है, जिसमें निर्माया स्कीम है, उस स्कीम के तहत जो बच्चे अपना बीमा करवाना चाहेंगे तो उनको ये भी लाभ दे होगा। और सीएमओ ऑफिस की तरफ से इन सभी बच्चों के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ऑनलाइन होंगे। इन बच्चों का पूरा रिकॉर्ड जिला परियोजना संयोजक के कार्यालय में भी ऑनलाइन है और विभाग के पास भी ऑनलाइन है। उन सभी बच्चों में से सीएमओ ऑफिस की तरफ से उन बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी जारी करवाए जाएंगे। और तो सर क्या बच्चों को क्या फायदा होगा इस चीज से, थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसलिए क्या है, जैसे कोई बच्चा है उसको किसी उपकरण की आवश्यकता है, जैसे वो चल नहीं सकता, उसको कोई ट्राई साइकिल चाहिए, कोई जूता चाहिए, तो ये क्या है, ये एमको की तरफ से दिया जाएगा। तो निःशुल्क दिए जाएंगे जी? ये बिल्कुल निःशुल्क विभाग द्वारा दिए जाएंगे। और इसी कैंप के बाद कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, उन बच्चों को हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। वो जिले के कुल 63 बच्चे हैं और सभी बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर करके और उनकी जो खर्च विवरण है वो भी विभाग के पास भेज दिया गया, क्योंकि कुछ पैसा विभाग द्वारा अब जारी किया जा चुका है। यदि फालतू पैसा लगता है तो सरकार उन बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए